सो हेलो बच्चो वेलकम बैक मुझे पता है कि यहाँ पे बच्चे के साथ साथ काफ़ी ऐसे एजुकेटर्स भी होंगे जो कि मुझे इस समय सुन रहे और देख रहे होंगे बच्चा यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ये जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो महाराष्ट्र एम एच को लेके है अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे ये न्यूज़ आपको आज ही आई है क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है एज पर द नोटिस देर वॉज अ सर्वर इशूज एंड कैंडिडेट्स फेस्ड मल्टीपल लॉग आउट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग दिचुएशन ऑफ द कैंडिडेट द स्टेट सेल है फॉर दोज कैंडिडेट्स हुट दामिनेशन तो अगर बच्चा यहां पर अब ध्यान से देखे तो सेम प्रॉब्लम जो कि जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एस्पेरेंट्स ने फेस करी थी वो सेम प्रॉब्लम एम एच सी टी एग्जामिनेशन में भी बच्चों ने महसूस की है फेस की है लेकिन इसका डायरेक्ट यहां पे आप देख सकते हैं कि एमएचसीटी ने इसके ऊपर स्टेप ऑलरेडी उठा लिया है और री एग्जामिनेशन होने वाला है उन बच्चों का जिन्होंने इसको फेस किया था और यहां पे चुपके से सिर्फ 100-200 बच्चों को री एग्जामिनेशन नहीं दिलवाया जा रहा है यहां पे प्रॉपर एक प्रोसीजर है कि जिनको जिनको री एग्ज़ामिनेशन देना है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो बच्चा यहां पे मुद्दा यह है कि अगर एम अपने इस एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट करवा सकता है उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कतें हैं प्रॉब्लम है तो एन अभी तक एक भी स्टेप ऐसा क्यों नहीं उठा पाया है अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ 200-250 चंद बच्चों को री एग्जामिनेशन एंड से दिलवा दिया गया है और कई ऐसे बच्चे इस समय हैं जो अभी भी इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं गुजर रहे हैं और वो अभी भी शायद आप में से बहुतों को आइडिया नहीं है वो बच्चे अभी भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं मांग कर रहे हैं तो मेरा बच्चा यहां पे एन टी ना तीन सवाल है सबसे सब पहला सवाल है कि क्या वो भी एमएस की तरह ऐसा कोई स्टेप नहीं उठा सकता है प्लान वे में कोई एक्शन नहीं ले सकता है दूसरा सवाल है कि जो बच्चे सिर्फ कोर्ट तक पहुंच रहे हैं उनको ही सोल्यूशन क्यों प्रोवाइड की जाए क्योंकि आपको पता है कि मेजर तबका जो है वो ऐसे कोर्ट के खर्चे उठा भी नहीं सकता है और तीसरा सवाल है कि डबल रजिस्ट्रेशन जैसे महापाप को हर कोई ऐसे क्यों इग्नोर कर रहा है आपकी आंखों में पट्टी बंधी क्या इतना मेजर इश्यू है और उसके ऊपर डिस्कशन हो ही नहीं रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि काफी एजुकेटर्स इस मामले में बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन मुझे उन एजुकेटर से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी आके बच्चों का सपोर्ट करें समर्थन करें क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे नए चैनल क्रिएट करके उसको ग्रो करने के आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे अपने कोर्सेज को सेल आउट करने के लेकिन इस समय वो मौका नहीं है इस समय का जो मौका है वो है दो के बच्चों को सपोर्ट करने का अपना साथ देने का समर्थन देने का टेक केयर विश यू बेस्ट ऑफ लक